आशा आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। आशा आईटीआई में सत्र 2023-25 में नामांकन जारी। भारत सरकार एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त। आवास, मेडिकल कैंप वगैरह जितने भी हैं, आप तमाम ग्रामीण से अनुरोध करते हैं कि आप लोग आए और जितने भी सरकार के द्वारा जो अच्छा पहल किया गया उसका लाभ आप लोग जरूर उठाए, क्योंकि ये हमारे सरकार द्वारा ये आप लोग के लिए किया गया है, ताकि आप लोग को ब्लॉक नहीं दौड़ना पड़े, आपके घर में आके सरकार आपका काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए आपके घर में कैंप लगाने का काम किया। और जितने भी ग्रामवासी हैं हमारे सुमता के, राधागांव के, चैनपुर के एवं समस्त प्रखंड के हर जगह में कैंप लगाया जा रहा है, और जितने भी ब्लॉक स्तर से लेके राजनीतिक स्तर से लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से ये जो कैंप लगाया गया है, हम तहे दिल से ही हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। ऐसा बहुत आदमी को आवास नहीं मिल रहा था, इन्होंने एक बहुत ही सर्वीय कदम उठाया है, क्योंकि वो अगुआ आवास का जो उन्होंने गरीब जनता को देने का काम किया। और आप लोग से निवेदन है कि जिनका जिनका जॉब कार्ड भी नहीं बना है, वो भी अपना फॉर्म को जमा करें और हम लोग सब मिलके उनको भी आवास दिलाने का काम करेंगे। और देखिए, यहाँ पे पशुपालन से रिलेटेड जो भी काम है, पहला तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको देंगे, क्योंकि देखिए किसान नहीं रहेंगे तो हम सब आज अच्छी रूप से हम लोग सही नहीं रह सकते, क्योंकि किसान से रिलेटेड जितने भी काम है, जैसे कि फसल विभाग से हो, जो इतना हो, आज के डेट में हम लोग इतने फास्ट हो गए हैं कि हम लोग पहले की जो हम लोग नेचुरल चीज़ थी वो हट चुकी। पहले हम लोग सिंचाई करते थे गाय से, बैल से, लेकिन आज ट्रैक्टर हो जाने के कारण उपजा बहुत बेहतर नहीं हो पाता। तो पहले तो हम लोग पहला प्राथमिकता हम लोग देंगे पशुपालन से रिलेटेड और किसान से रिलेटेड जो काम है वो। पेंशन वगैरह, आवास, अब वो आवास चल रहा है। देखिए पेंशन का जो काम है बहुत अच्छी तरह से हो रही है, क्योंकि इस बार राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, लगभग योजनाओं का काम धरातल पे उतर रहा है। और जहाँ तक आवाज़ की बात है, बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब टारगेट मिलेगा, कब टारगेट मिलेगा, तो आज वो अवसर हम लोगों को आया है राज्य सरकार के द्वारा, कि आज हम लोग नए नए लोगों को, जो हम लोग का छूट चुका था करीबन 4-5 साल पहले, जो अति गरीब थे उन लोगों का छूटा हुआ था, तो आज उन लोगों को सुनहरा मौका मिला है कि अपने नामों को चढ़ा हुआ आवाज में, वो मतलब ही अपना होता है। तो सभी को रोजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं धन्यवाद कहूँगा हमारे चास प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को, जो इतने समय हम लोगों को दिए और इतने अच्छे से, आज जनता दरबार लग ही नहीं रहा है कि 3 पंचायतों का जनता दरबार है, क्योंकि इतना अच्छा काम आज हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि किसी भी पंचायत का अगर एक काम छूट जाता है तो समझ लीजिए वहाँ विकास की कमी है। तो मैं इस बार उम्मीद करता हूँ कि जन जन लोगों का काम होगा, क्योंकि जन प्रतिनिधि का अर्थ ही होता है जन जन लोगों का काम। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम यहाँ पर 3 पंचायतों का, एक सुनता है, चैनपुर है और राधा नगर, 3 पंचायत के आप देख रहे हैं। काफ़ी लोक संख्या में यहाँ के लोग आए हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, और इस बार खास करके झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना जो लागू किया गया है, उसके सबसे ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं, साथ साथ पेंशन, राशन, अंचल से रिलेटेड। और यहाँ पर लगभग 20 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें 20 विभागों के सारे पदाधिकारी आए हैं और वो सारे आवेदन को ले रहे हैं, और सारे आवेदन हम लोग ऑनलाइन करते हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट हो रहा है, और बाकी जो समस्या बच रहे हैं उसके भी समाधान की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जा रही है, और यथाशीघ्र उनका भी समाधान कर दिया जा रहा है।